हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रेलवे लाइफ विथ बनारसी बाबू पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जारी रखे होंगे, क्योंकि जिस तरह से देखिए अभी वैकेंसी रेलवे में आई हुई है, टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है और RPF की वैकेंसी आई हुई है और भविष्य में NTPC की भी भर्ती जो कि ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगी, और ग्रुप D की बात करें तो ग्रुप D में सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार आने वाली है, क्योंकि खुद रेल मंत्री ने बताया है, रेलवे मंत्री ने बताया है कि कितना पोस्ट खाली है रेलवे में ग्रुप D की सीटों को, तो उन सब का जो है कि इसी ईयर में लास्ट में चुनाव होने के बाद आपको बहुत ज़बरदस्त रेलवे में वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे कि हमने तैयारी कैसे की और आप लोग अपनी तैयारी को किस तरीके से और बेहतर बना सकते हैं। तैयारी तो सब लोग कर रहा है, लेकिन किस तरीके से कम समय में ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो दोस्तों, पहले हम बता दें कि जैसे कि मैं तैयारी करता था तो मैं तो जैसे कि 10 से 12 घंटे तो पढ़ाई करता ही था डेली, लेकिन एक काम करता था डेली, क्या करता था कि मैं डेली का डेली एक सेट बनाता था। सेट बनाए का जैसे कि 100 क्वेश्चन का डेली सेट बनाता था, जिसमें कि सब कुछ होता था, मैथ, रीजनिंग, GK GS, वो पूरा एक सिलेबस जैसे कि पूरा कवर होता था। तो उससे क्या होता था कि डेली का डेली पूरा सिलेबस एक बार मेरे निगाहों के आगे से गुजर जाता था, और मैं क्या करता था कि जो मुझे सवाल उसमें फंस जाता था, जो नहीं आता था, या जैसे कोई हिस्ट्री का चैप्टर फंस गया, वो कुछ नहीं आया उसमें, तो मैं उसको लिख लेता था, और लिखने के बाद मेरा जो सवाल सही होता था उस पर तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन जो मेरा गलत हो जाता था उस चैप्टर को मैं बहुत डीपली पढ़ता था। कि जैसे कि मान लीजिए प्रॉफिट लॉस मैंने पढ़ा, प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन मुझे नहीं आया, तो मैं क्या करता था, प्रॉफिट लॉस के चैप्टर को पूरा 2-3 दिन तक लगातार पढ़ता रहता था कि उसमें का कहीं से भी सवाल आ जाए तो मैं उसको लगा दूँ। तो इस तरीके से मैं पढ़ाई करता था। और पहले बात क्या करता था कि A to Z पूरे, जैसे कि रीजनिंग है तो रीजनिंग का A to Z चैप्टर का मैं नाम लिख लेता था। नाम लिखने के बाद मैं एक एक चैप्टर को धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू करता था। पहले आज एक चैप्टर शुरू किया तो 4 दिन 5 दिन 6 दिन जितना दिन भी लगता था, पहले उसको डीपली एकदम पूरा अच्छे से YouTube से ही मैं पढ़ाई करता था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे उतना पढ़ाई करने के लिए, तो मैं YouTube से ही पढ़ता था। मैं बहुत सारे टीचरों को फॉलो करता था और सब जगह से ज्ञान लेता था। ज्ञान लेने से मतलब है, आपके पास पैसे नहीं है फिर भी आज के समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना अच्छा हो गया है कि आप पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप भी बेहतरीन पढ़ाई करें और डेली का डेली हम कहेंगे आप डेली एक सेट लगाएं, करंट अफेयर्स डेली सुबह पढ़ें, और मतलब जब भी आपको टाइम मिले पढ़े जरूर, करंट अफेयर्स को पढ़ना जरूरी है, और सारे सिलेबस को एक बार जरूर से जरूर पूरा एनालिसिस करें कि हमको कौन सा चैप्टर नहीं आ रहा है, कौन सा आ रहा है, जो थोड़ा कम आ रहा है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। तो इस तरह से अपनी पढ़ाई करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।